एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी लोकसभा सीटें मिली, 65 के करीब लोकसभा सीटें मिली, तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे कि पब्लिक पसंद कर रही है अखिलेश जी? ये वाला जो इंटरव्यू हो रहा है शायद ही आप लोग अपने न्यूज में दिखाएंगे? नहीं नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में घटे कुछ खास किस्सों की करेंगे। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बटोलता रहता है और इन्हीं सुर्खियों में हमें कुछ मजेदार वीडियोस भी देखने को मिल जाती हैं। अक्सर हमने मीडिया को सरकार की तारीफ करते ही सुना है और मीडिया ही है जो सरकार की कमियों को छुपा लेता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू लेने एबीपी न्यूज के पत्रकार पहुंचे। कैलाश इन दिनों बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं और जब पत्रकार उनके पास पहुंचे तो वे एक रैली में थे। पत्रकार ने एंकरिंग करने के लिए माइक ही भाजपा नेता को पकड़ा दिया। धूप में ही बैठे हो कैलाश जी, आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ क्यों नहीं, तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर? उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर, ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है। जहाँ जब भी राजनीतिक हलचल होती है वो परिवर्तन के लिए होती है, और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब आया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो उत्साह है, आप जो उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्साह बड़ा जबरदस्त है। ये जो उत्साह है ये परिवर्तन का उत्साह है और ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी सारे देश में सभा करते हैं, पर आज की सभा का कुछ रंग मुझे अलग दिखाई दे रहा है। देखिए कैलाश विजयवर्गीय थे जो कुछ देर के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी बने और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है इस पूरे इलाके में। आप देख सकते हैं ब्रिगेड मैदान का इलाका। एबीपी न्यूज का माइक अपने हाथ में जो अभी कैलाश जी रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकर, और उन्होंने जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई है तो ये तो ऐसा लग रहा है कि खेला हो बे। सरकार की तरफ झुकाव तो मीडिया का साफ ही दिखने लगा है। एंकर तो सवाल भी विपक्षी नेताओं से इस तरह करते दिखाई दे रहे हैं कि मानो सवाल पत्रकार नहीं कोई भाजपा सरकार का प्रवक्ता पूछ रहा हो। आप न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन का ये वीडियो देखिए जिसमें वे अखिलेश यादव का इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके सवालों पर गौर करें। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कहती है कि हमने अर्थव्यवस्था को बेहतर करा है और कुछ आंकड़े भी है मेरे पास कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ है? आपका ये आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलते हैं, फीता काटते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक बात है, पर देखिए कुछ आंकड़े हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है, आपको भी खुशी होगी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन आप हेल्थ की बात करते हैं, अभी कोरोना का वक्त गया, वाकई पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। WHO ने भी यूपी सरकार की तारीफ करी। क्या आपको लगता है कि कोविड मैनेजमेंट अच्छा रहा? क्योंकि लगातार आप सवाल खड़े कर। सर 17 में बीजेपी जीत के आई, 2019 का लोकसभा चुनाव भी था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी लोकसभा सीटें मिली, 65 के करीब लोकसभा सीटें मिली, तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे कि पब्लिक पसंद कर रही है अखिलेश जी, या कुछ तो करेक्ट होगा? डिबेट में एंकर जिस मर्जी का साथ दें, जनता सब देखती भी है और समझती भी है। जी न्यूज के पत्रकार ने बंगाल में कुछ लोगों से चुनाव को लेकर बात की जिसमें एक ने अपनी बात कहते कहते मीडिया पर तंज भी कस दिया। बीजेपी आए या TMC आए, स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार दोनों ही करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को कोई भी नहीं चाहते हैं, उनका बात कोई नहीं सुनता है, ठीक है। बीजेपी आए या TMC आए, स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार कभी नहीं होने वाला। और मैम आई एम वेरी डाउटफुल दैट ये वाला जो इंटरव्यू हो रहा है शायद ही आप लोग अपने न्यूज में दिखाएंगे। नहीं नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चले दिखाएंगे, आप देखिएगा। इंडियन न्यूज मीडिया हैज बीन अ जोक। इंडियन न्यूज मीडिया हैज बीन अ जोक। मंगलवार को देखिएगा। पिछली बार हमने आपको आज तक का एक प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट दिखाया था जिसमें इनडायरेक्टली अर्णब पर तंज कसा गया था। इस बार आज तक ने एक नया प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट निकाला है जो फेक न्यूज पर आधारित है। नीचे, नीचे। और नथु का खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, अभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे समाचार सुना रहे हो या अफवाह फैला रहे हो? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। आपको बता दें आज तक ने सुशांत केस में कुछ पोस्टर भी बनाए थे जिसमें लिखा था सुशांत पर रिया का काला जादू। क्या ये खबर फेक थी या अफवाह? NBSC ने सुशांत केस में फेक ट्वीट करने को लेकर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
अब फेक न्यूज कुछ मीडिया के पत्रकारों द्वारा ही शेयर किए जाने का एक मामला सामने आया है। असम के डुबरी से सांसद मौलाना बद्रुद्दीन अजमल का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उन्हें एक विवाद पर बात करते हुए सुना जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस वायरल वीडियो का लिंक शेयर करते हुए एक ट्वीट थ्रेड लिखा, जिसमें उन्होंने बद्रुद्दीन अजमल को जिहादी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि AIUDF चीफ ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि AIUDF के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने ट्वीट कर बताया कि मौलाना बद्रुद्दीन अजमल का एडिटेड वीडियो शेयर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ओरिजिनल वीडियो भी शेयर किया, जिसे YouTube पर एक साल पहले अपलोड किया गया था। हाफिज रफीकुल का ट्वीट खुद बद्रुद्दीन अजमल ने भी रीट्वीट किया। सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी एक ट्वीट में लिखा, भारत पर बरसों मुगलों ने शासन किया और भविष्य में भी भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, बद्रुद्दीन अजमल। बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कई लोगों ने इस फेक न्यूज का पता चलते ही ट्वीट डिलीट किया और माफी भी मांगी। ऑल्ट न्यूज ने दिखाया कि कैसे असम चुनाव से संबंधित एक फेक वीडियो में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी AIUDF के नेता और सांसद मौलाना बद्रुद्दीन अजमल को कहते दिखाया गया कि इसी भारत पर मुगलों ने 800 साल राज किया है, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इस वीडियो को वायरल कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शेयर किया, अजमल को जिहादी लिखा। यही नहीं, दूरदर्शन के पत्रकार एंकर ने भी इसे शेयर किया। ABP और इंडिया TV की न्यूज एंकर ने भी शेयर किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक हैंडल को फॉलो करते हैं, सोल फैक्ट्स, उसने भी शेयर किया। ऑल्ट न्यूज की अनुराधा ने अपने शोध में पाया कि अजमल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पूरा वीडियो देखने पर अजमल कुछ और कह रहे हैं कि मुगल बादशाहों ने 800 साल राज किया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दें, ये बात कह रहे हैं। आप पूरी रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की साइट पर पढ़ सकते हैं। मीडिया में क्या चल रहा है, कितनी फेक न्यूज दिखाई जा रही है और कितनी जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है, ये सब हम आपको दिखाते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।